सभी लोगों को मेरे चैनल पे मैं हूँ सुलता। आज मैं लेकर आ गई हूँ मेरा फुल डे रूटीन ब्लॉग, जो कि मैं सारा दिन आज क्या क्या करने वाली हूँ। सबसे पहले तो आज बेडरूम पूरा क्लीन करने वाली हूँ। बहुत दिन हो गए हैं बेडशीट चेंज नहीं किया है, तो बेडशीट चेंज कर रही हूँ। न्यू बेडशीट मतलब वो वॉश किया हुआ बेडशीट यहाँ पे निकालूंगी। तो थोड़ा सा डस्टिंग वहाँ पे हुआ था, तो थोड़ा डस्ट क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद आज मेरा मन है पूरा एकदम मन लगा के काम करना, तो आज धड़पड़ धड़पड़ करके काम हो रहा है। तो ये मेरा बेडशीट निकल गया है। एक्चुअली एक्स्ट्रा एक पिलो रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत स्वेट करते हैं, बहुत। मतलब जब भी नींद में जाते हैं या फिर कुछ खाना खाते हैं, डैट टाइम वो बहुत स्वेट करते हैं। तो इसीलिए एक्स्ट्रा पिलो रखा हुआ है। वो पिलो उनको रात को वो पिलो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इतनी ठंड में भी, यहाँ पे इतनी ठंड है, 5 डिग्री मतलब चला जा रहा है नीचे, तो आप समझ सकते हो कितनी ठंड है। तो इतनी ठंड में भी वो इतना स्वेट करते हैं, तो मैंने, और सर्दी लगने की बहुत हद तक संभावना है, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा पिलो रख दिया है। तो बेड कवर ऐसे मैं 2 हफ्ते बाद या 1 हफ्ते बाद ऐसे चेंज करते रहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ठंड है तो काम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पर हाँ, जिस दिन मन हो जाता है कि आज काम करना है, तो उस दिन मन लगा के पूरा काम करती हूँ। तो बेडशीट चेंज हो गया, बहुत प्यारा लग रहा है। जब भी थोड़ा अलग बेडशीट होता है, तो एक टाइम से एक ही बेडशीट देखते देखते ना बोर हो जाता है। तो उसके बाद ये हमारे 2 नए नए कंबल हमने जो यहाँ आके लिए हैं, रियली एवरीडे ये कवर को ठीक ठाक करके फिर उसे फोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। सुबह सुबह तो वो नींद की आँखों में कर देते हैं। जी हाँ, बिस्तर लगाना या फिर सुबह को बिस्तर पूरा ठीक ठाक करना, वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं। मैं बाद में इसे अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो ये दोनों कंबल मैं 7 दिन में 2-3 बार मैं धूप लगाती रहती हूँ, अच्छी खासी धूप लगाकर। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में। वो जो बेडशीट वो भी वॉश करना है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो किचन में क्या है, मैं दोपहर को ना सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत काम करके रखती हूँ, ताकि रात को जितना काम कम करना पड़े, जितना पानी कम मतलब सहना पड़े। तो मैंने अभी अभी चाय बनाई है, तो चाय पीते पीते जो सब्जी है वो काट लूँगी। तो बीट एंड क्या कहते हैं, चुकंदर और गाजर की सब्जी बनाऊँगी, प्लेन इसे फ्राई करूँगी रोटी के साथ, बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मीठा और मटर डालूँगी, तो ये बहुत रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। रोटी में थोड़ा सा घी लगा लो, उसके बाद इसकी फ्राई सब्जी हुई फ्राई की सब्जी खाओ, बहुत अच्छा लगता है। और विंटर में ये वाले गाजर तो मिलते ही मिलते हैं, ये दोनों सब्जी विंटर स्पेशल है। तो मेरी मम्मी बहुत बनाती थी, और हम चावल के साथ कच्चे ऑनियन के साथ इसे एंजॉय करते थे, बहुत टेस्टी लगता था। तो इसे कट करने के बाद जो सब्जी वगैरह सब शाम को बिठाऊंगी, सब्जी तो शाम को चढ़ाऊंगी, पर हाँ किचन जो क्लीन विन करना है वो मैं अभी करके रखूंगी, ताकि एकदम क्लीन रहे। शाम को जस्ट इसे खाना पकाना है। तो चाय पी रही हूँ और सब्जी कट कर रही हूँ, और देखिए कितना झटपट झटपट काम हो रहा है। और इसमें बहुत डर लगता है कि ये जो मैंने फुल स्लीव्स पहने हुए हैं, इसमें कलर ना लग जाए, तो ये बहुत दिक्कत होती है काम करने में विंटर में। और एकदम ये ऊपर की तरफ नहीं आते कि बाजू के ऊपर की तरफ कोने की तरफ ले ले, वो भी नहीं आते हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जैसे देख रहे हो, मैं पूरा एकदम बीट का जो कलर मेरे हाथों में लग गया है, किचन टॉप पे भी लग गया है, तो उसे अच्छे से पोंछ के साफ़ कर रही हूँ। और ये थोड़े बहुत जो बर्तन है इसे साफ़ करने हैं, तो इसे करते ही मेरा किचन का थोड़ा बहुत काम तो हो जाएगा। Thank you.
बेडशीट निकाल के रखी थी और जो डेली यूजर्स के कपड़े वगैरह थोड़े बहुत है तो उन्हें अच्छे से धो लूँगी। ये जो बेडशीट है ये एकदम न्यू है तो उसे उतने अच्छे से साफ़ सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैंने सर्फ के पानी के साथ थोड़ा भिगो के रखा है, उसके बाद साफ पानी के साथ वॉश कर लूँगी क्योंकि एकदम न्यू बेडशीट है और न्यू बेडशीट ही सैनिटाइज करके हमने यूज़ किया था, अच्छे से धूप खिलाकर सैनिटाइज करके ही मैंने इसे यूज़ किया था तो उतना गंदा भी नहीं हुआ है इसे। और डेली यूजर्स के कपड़े मैं पहले अच्छे से धो रही हूँ, उसे धो के रखूँगी। यहाँ पे बाल्टी रखी हुई है सामने और फिर ये सारे जो बेडशीट्स हैं, पिलो कवर्स हैं, उन्हें भी अच्छे से धोकर एकदम छत पे धूप पे सुखाने देकर जाएंगे। उसके बाद घर थोड़ा साफ़ सफाई करना है और जैसे कि आप लोगों ने देखा सब्जी वगैरह तो थोड़ी बहुत बनी हुई है, कल की सब्जी है जो दोपहर को है, मतलब टिफ़िन में उनको जो दिया है, जो मैं एवरीडे रखती हूँ, रात को बनी बना के रखती हूँ, अगले दिन दोपहर तक हो जाता है मेरा, तो वो वाली सब्जी तो है रोटी के साथ खाएंगे। तो उसके बाद थोड़ा मैं धूप में बैठती हूँ, ये वीडियो वगैरह सब कुछ एडिट वगैरह और धूप में बैठ के ही काम कर लेती हूँ जितना हद तक हो सकता है। उसके बाद मैं शाम को घर पे आके मतलब रूम पे आके फिर काम करती हूँ। तो आज का वीडियो व्लॉग यहाँ तक ही, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय एवरीवन।